मेरा नाम अनिल है, मैं फिर से आप लोगों के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम जिस म्यूचुअल फंड की बात करेंगे वो बहुत ही बढ़िया एसबीआई का म्यूचुअल फंड है जो आपको बढ़िया रिटर्न निकाल के देगा और आपको करोड़पति बना सकता है। ये म्यूचुअल फंड अगर आप अपने पोर्टफोलियो में लेते हो, इसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बहुत बढ़िया फंड है, मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई है। मैं इसलिए दोबारा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, समय के साथ साथ में इनका जो AUM है वो बढ़ जाता है और फंड साइज है वो बढ़ जाता है। किसी भी म्यूचुअल फंड को लेने से दो बात इम्पोर्टेंट होती हैं, एक तो AUM चेक करना है आपने कितना है उसका, और दूसरा जो चेक करना है फंड साइज, ठीक है। और हमेशा SBI का कोई भी म्यूचुअल फंड हो, आप बैंक में जाइए, बैंक मैनेजर से बात कीजिए कि मेरे को SBI का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चाहिए, आपको फॉर्म भरेंगे और आपका कंटिन्यू SIP स्टार्ट हो जाएगा। और वो जितने का भी आप स्टार्ट कराना चाहो, 1000 रुपये कम से कम स्टार्ट होता है, मिनिमम मैक्सिमम कितने का भी स्टार्ट कर सकते हो, मिनिमम 1000 रुपये। आज अगर हम इसका NAV की रेट देखें तो 145 रुपये चला हुआ है, अगस्त का महीना है ये, 2023 चल रहा है। रेटिंग की बात करें 3 स्टार मिला हुआ है। फंड साइज की बात करें तो 20,000 करोड़ रुपये लोगों ने लगा रखे हैं। कई बंदे कहते हैं सर मैंने 1000 रुपये लगा दिए, 2000 लगा दिए, मेरा क्या होगा? घबराइए मत, कंटिन्यू लगाते रहिए, इस कान से सुनिए इस कान से निकाल दीजिए। कोई भी बात बोलता है म्यूचुअल फंड के बारे में, कोई लगता है आपको कि नेगेटिविटी आपको डाक रहा है, ऐसे बंदे से मिलिए मत। RDFD अगर 5 साल के लिए करना है RDFD में जाइए, अगर आपको लंबे समय तक टिके रहना है मार्केट के अंदर में तो म्यूचुअल फंड में जाइए। म्यूचुअल फंड का फायदा ये होता है कि लंबे समय में आप टिके रहोगे, आपको इतना पैसा मिलेगा कि आपने देखे भी नहीं होंगे पहले। अब करना क्या होता है, छोटी छोटी रकम हमें मंथली जमा करानी है ताकि क्या होगा आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न मिल सके, उसके लिए हमें SBI के स्मॉल कैप फंड को लेना है और मंथली कम से कम 1000 रुपये का तो आप लो ही। आगे बात करते हैं हम होल्डिंग की, 54 कंपनियां इनके पास में, AUM है वो करीब करीब 8,23,893 करोड़ का करीब है ये। अब आप देखिए AUM इतना बड़ा है इसका, तभी तो रिटर्न इतना बढ़िया निकाल के देता है। अगर हम रिटर्न की बात करें, आर रिटर्न की बात करें 25.64 है, 5 ईयर की बात करें 19.90 है, 3 ईयर की बात करें 32.38 है। अगर वहीं हम इसका RDFD से जोड़ के देखते हैं, आपने RD या FD में पैसा लगा दिया, 5% 6% करीब मान के चलो, यही PPF में पैसा लगाया पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7.1, और वहीं EPF में पैसा लगाया हमने 8.1, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। इसमें क्या होगा कि आपका हर महीने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है कंपनी का, कुछ आपका होता है हर महीने जमा होता है, 1,81,100 रुपये ब्याज मिलेगा। PPF होता है पब्लिक प्रोवाइड फंड होता है, इसमें आपको मिलेगा 7.1, मान लो 7100 रुपये अगर आपने लगाए 1,00,000 रुपये तो 1 साल का ब्याज बैठेगा 7100 रुपये। वही RD और FD में अगर आपने 1,00,000 रुपये लगाया तो बैठेगा 6,000 रुपये। वहीं अगर हम यहाँ पे जाते हैं म्यूचुअल फंड में, सबसे सुनने वाली बात है मार्केट रिस्क है, सचिन जी आते हैं TV पे बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड कीजिए, बच्ची बढ़ तो रही है पर आपका पैसा नहीं बढ़ रहा, ऐड आती है TV में, वो कोई कंपनी का नाम ले देते हैं, उस केवल और केवल म्यूचुअल फंड का नाम लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि फॉरेन के टोटली लोग अगर हम देखें 95% लोग उनके फाइनेंशियल तौर पर फ्री है, क्या करते हैं वो, देश की इकोनॉमी को मजबूत करते हैं, उनके शेयर खरीदते हैं, उनके म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। हम क्या करते हैं, इंडिया के अंदर में अभी भी केवल और केवल 5% लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाकी लोग कमाते हैं खा जाते हैं दूसरे दिन फिर से दिहाड़ी पे आ जाते हैं, उनमें से हम भी हैं। यही कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट चलता रहता है। होता क्या है कि जब तक हमें कोई बढ़िया सिस्टम ना मिले, ट्रैक चेंज नहीं करेंगे जब तक हम उसको खरीद नहीं पाते। SBI बैंक में है, आपका अकाउंट चलता है, बैंक में जाइए, बैंक मैनेजर से बात कीजिए कि सर मेरे को SBI म्यूचुअल फंड करवाना है, कौन सा बेस्ट है, SBI स्मॉल कैप है, SBI ब्लू चिप है, SBI मिड कैप है, कोई भी लीजिए, जो भी आपको पसंद आइए। अगर जो भी चाहिए आप कम से कम मान लो 4 चाहिए 5 चाहिए, जिस भी फंड में आप पैसा लगाना चाहते हो 1000-1000 रुपये लगा दीजिए, शान से जिंदगी जीजिए, कोई टेंशन नहीं। स्टॉक मार्केट के अंदर टेंशन लोगे, मार्केट देखोगे, फॉलो करोगे, रात को देखोगे, दिन में देखोगे, 6 दिन मार्केट खुला आज क्या रहा, टेंशन फ्री। पैसे लगाते रहिए सेविंग में, म्यूचुअल फंड में,
ये क्या करेंगे, ये जो 54 कंपनियां हैं, सारी स्टॉक की कंपनियां इनके पास में, ये क्या करती हैं, ये घूम के आपके पैसे को 25.64 ऑल रिटर्न निकाल के देंगी। मैं कह रहा हूँ 15% भी मिल जाए तो दुनिया बदल जाएगी आपकी। शुरुआत तो कीजिए 1,000 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये, कैसे भी। अगर आपको कम का करना है तो आप फोन पे एप्लीकेशन में जाइए, ग्रो ऐप में जाइए, SBI बैंक के अंदर में 1,000 रुपये से कम की आपकी नहीं होगी। आगे चलते हैं हम, जो मैं बता रहा था ये आपको 8.1 है, 7.1 है, 6% है। अब अगर हमें 8.1 7.1 से ज़्यादा चाहिए, आप देख सकते हो महंगाई करीब करीब 7% बढ़ जाती है, इसीलिए हमारे पास 1% पैसा बचता है, जिसके कारण हम फाइनेंशियल तौर पर फ्री नहीं हो पाते। ये सबसे मोटी बीमारियाँ हैं। अगर हम ऐसी ऐसी जगह पैसा लगाएंगे तो सिर्फ इतना ही पैसा बढ़ेगा कि 1% बात, उससे आप फाइनेंशियल तौर पर फ्री नहीं हो सकते। उसके लिए हमें क्या करना है, म्यूचुअल फंड में जाना है, 1,000 रुपये की SIP करानी है, मंथली स्टार्ट करना है। मैं केवल 54 में से 5 के नाम बताना चाहूँगा आपको, ध्यान से सुनने हैं। ब्लू स्टार है 3.68 के करीब, वी गार्ड 2.41 के करीब, CSB बैंक है 1.64 पे, LIC हाउसिंग है 1.61 है, सिटी यूनियन बैंक है 1.60। आपने नाम तो सुने होंगे, ब्लू स्टार AC बनाते हैं, ब्लू स्टार इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है। जितना भी सामान बिकेगा आपका म्यूचुअल फंड बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, और आपके पैसे लगाओ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बढ़ेगा। कई बंदे कहते हैं सर मैंने पैसे लगा दिए डूब तो नहीं जाएंगे। सर ये 54 कंपनियां हैं जिसमें जहाँ पे आपने पैसा लगाया है, आपका पैसा सिक्योर है SBI के पास, टेंशन मत लीजिए, लगाते रहिए आंख मीच के। कोई कुछ भी बोले मंथली पैसा 1,000 रुपये, 2,000, 5,000, जितना बचे लगा दो, लास्ट में बचे वो पैसे जो आपका मंथली खर्चा चला दे, इतना ही रखो, बाकी लगा दो, टेंशन फ्री रहोगे। आने वाले 10-15 साल 20 साल लगा दोगे तो आपको मजा आ जाएगा। मैं केवल 1,000 रुपये की बताता हूँ आपको, 1,000 रुपये बचा के कोई करोड़पति बन सकता है क्या? 20% का रिटर्न मान के चलते 25.64 बता रहे हैं, 23 साल के लिए आपने पैसा लगाया 3,96,000 रुपये, 3,96,000 आपने 33 साल में जमा किए हैं, जो 3,96,000 का रिटर्न बनेगा 4,24,05,078 रुपये। इतना पैसा कम नहीं देगा, सुना नहीं होगा, सुन के स्टार्टिंग में मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना पैसा क्या दे पाएंगे ये। मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया, 3 साल लगे मेरे को इस सिस्टम को समझने के लिए, वाकई में पैसा मिलता है ये, क्योंकि सिस्टम से जुड़ते नहीं हैं हम। जो मार्केट रिस्क है ना, वो लाइन हमें ना अंदर से जो जोड़ देती है, ये यार मार्केट रिस्क है भाई, हमारी जिंदगी मार्केट रिस्क पर टिकी हुई है। जिस मकान में रह रहे हैं उस मकान की छत की किसकी गारंटी है? किसी की कोई गारंटी नहीं है, आपकी खुद की गारंटी है। जीगे तो दूसरे दिन रूटी, वरना जय सियाराम। आपने क्या करना है, कंटिन्यू SIP करते रहिए। जहां से भी हो आप बुक में लिखिए कि आज से मैंने SIP स्टार्ट कर दी, ताकि आपको आने वाले 10-15 साल के अंदर में मजा आने लग जाएगा। पैसे जैसे जैसे अकाउंट में बढ़ेंगे, जैसे जैसे जीरो बढ़ेगी ना, वैसे वैसे दिमाग का ब्लूटूथ ऑन होगा कि मैंने 1,000 की क्यों स्टार्ट की, 2,000 की करनी थी। एक बात और खास बताता हूँ आपको इसमें, मार्च 2020 के अंदर में कोरोना लगा हुआ था, उस टाइम में केवल 45 रुपये का एक NAV मिल रहा था, नेट एसेट वैल्यू 145 रुपये में एक यूनिट मिल रहा था। वहीं अगर हम आज यूनिट खरीदने जाएं तो 145 की है, अगर उस टाइम खरीदी होती तो केवल 45 रुपये की बचती। 3 साल के अंदर 100 रुपये बढ़ गए, 2020 मार्च, अगस्त 2023, 3 साल में 100 रुपये यूनिट के ऊपर बढ़े। आप सोचो आपने खरीदे होते, काफ़ी सारे पैसे लगाए होते, तो आपके करीब करीब 45 रुपये पे 100 रुपये लग के आते। तो आपने देखा कि मैंने आपको बताया है SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया, बहुत मैस म्यूचुअल फंड है, इसको लीजिए आप और अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।